नमस्कार, न्यूज पीआर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। गोपालगंज के मीरगंज थाना के फतेहपुर बड़का गांव में सोमवार की रात एक ऐसी वारदात हुई जिसने चौहान परिवार को आंसुओं में डुबा दिया और मानवता को शर्मसार कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई लाठी और डंडे से। जब उसकी पत्नी को ये खबर के बारे में पता चला, पत्नी बाहर आई और अपने पति के शव से लिपट कर रोने लगी, तब भी उन युवकों के हाथ ठंडे नहीं हुए। तब भी वो लाठियां बरसा रहे थे और उनकी पत्नी को भी मार रहे थे, साथ ही मरे हुए पति को भी खूब मार रहे थे। इस घटना के बाद गोपालगंज के एसपी ने भी अपना बयान दिया है, पहले आपको वो सुनाते हैं। 1 2022 को मीरगंज और उचका गांव में, मीरगंज के फतेहपुर और उचका गांव के धुलवा गांव में दो पक्षों के बीच में आपसी मारपीट में दो लोगों की अलग अलग मामलों में हत्या हुई है। और एक मामले जो मीरगंज का मामला, उसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और उचका गांव के मामले में 1 व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है और बाकी लोग जो हैं इसमें शामिल उनको भी छापेमारी की जा रही है और जल्दी वो लोग भी गिरफ्तार होंगे। हत्या के कारण क्या था? हत्या कारण आपसी विवाद था। मीरगंज वाले में कुछ मटन वटन को कुछ फेंकने वकने को लेकर विवाद की शुरुआत हुई और उसमें दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, जिससे सर में एक व्यक्ति की ऐसी चोट लगी जिससे उनकी जान चली गई। तो आपने सुना एसपी के बयान को। उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि इस घटना में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस जांच भी कर रही है। लेकिन आपको बताते हैं कि दरअसल इस मामले में हुआ क्या था। दरअसल सोमवार की रात पड़ोसियों के घर में श्राद्ध कर्म का कुछ काम चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ चौहान परिवार की तरफ से मटन की हड्डी फेंक दी गई पड़ोसियों को लेकर के। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। उसके बाद चौहान को खूब मारा गया, पीटा गया, जिसके बाद उसके बेटे और पत्नी ने भी हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उन दोनों को भी खूब मारा गया, जिसके बाद इतना मारा गया लाठी डंडे से, ईंट पत्थर से, कि वो युवक वहीं पे ही दम तोड़ दिया। उसके बाद उसकी पत्नी उसके शव से लिपट कर रोती रही, लेकिन फिर भी डंडे बरसाने बंद नहीं हुए। इस बात की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने उन 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच और मामले की कार्रवाई भी कर रही है। दीघा पर घटना भयल मीट के हरी दुआर में फेंकत रहो तो लोग मार के मुआ दिल झगड़ा कर काची से मरले बोलो ईटा से 7 आदमी के मरले। कहाँ कौन थाना के घटना है, का मामला बा? मीरगंज थाना। इस खबर में इतना ही। आप बन रहे न्यूज़ पीआर के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।